उत्तराखंड सरकार सभी गांव को जल जीवन मिशन से जोड़ रही है, तो वहीं उत्तराकाशी के डांग और पोखरी गांव में विवादों के चलते जल जीवन मिशन की भेंट चढ़ गया है। डांग में लंबे समय से पानी की समस्या हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ढोल बाजे के साथ अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसमें जिलाधिकारी को तत्काल जल जीवन मिशन के चलते गांव वालों को जोड़ने को लेकर ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों ने जल पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। डीएम साहब से निवेदन किया था, बहुत महीने हो गए निवेदन करते करते, साल भर से ज्यादा हो गया, और हमारे वर्तमान डीएम साहब ने 14 फरवरी को और 28 फरवरी को दो बार रिटर्न ऑर्डर दिया है। मैंने आपको दिखाया भी है, और डीएम साहब के ऑफिस से जो है ऑर्डर गया, जो है पाइप जोड़ा जाए, लाइन जोड़ी जाए। 31 मार्च तक जो है उसकी लास्ट डेट थी पानी को जोड़ने के लिए, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है निर्धारित की गई है डेडलाइन। ये डीएम साहब के ऑफिस का ऑर्डर है, देखिए 28 फरवरी का ऑर्डर है जिलाधिकारी कार्यालय से जो है, और ये 14 फरवरी का रिटर्न ऑर्डर है। उसके बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक, ना तो लाइन जोड़ी गई है। हमने चुनाव का बहिष्कार किया है और हम आपके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं। ये देखिए एसपी साहब को भी लिखा है इन्होंने, सहायक रिटर्न ऑफिसर ने जो है 30 मार्च को, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कभी तहसीलदार आ रहे हैं, कभी पटवारी पूछ रहे हैं, कभी और विभाग के कर्मचारी जो भी चुनाव में ड्यूटी है वो आ रहे हैं, साहब आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। इतने कागजों को खुद ऑर्डर करने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे गाँव के लिए जल जीवन मिशन के प्रथम चरण के तहत सब लोगों को कनेक्शन दे दिए गए हैं, पानी जो है कनेक्शन दे दिए गए। द्वितीय चरण में टैंक भी बन गया, सरकार जो है विभाग ने टेंडर से निकाल करके टैंक भी बना दिया। टैंक बनाने के बाद जो है उसको मेन लाइन से कनेक्ट करना था, जोड़ना था, वो आधे तक जो है आधी लाइन वो भी जो है बिछाने का काम हो गया, पर अब 100-200 मीटर बचा हुआ है उसको जो है वो जोड़ नहीं रहे, क्योंकि पोखरी गांव के लोग धमकी दे रहे हैं कि हम यहाँ से जोड़ने नहीं देंगे। संसाधन राष्ट्र के संसाधन है, हम भी उसी पानी के उपभोक्ता हैं, पीढ़ियों पीढ़ियों से उस पानी को पी रहे हैं, तो कैसे किसी गाँव का पानी रोका जा सकता है। अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं।